हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तु ज्ञान में आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय, जिसके बारे में जानकर आप अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो आपको शनिवार को कुछ खास उपाय करने होंगे। व्यक्ति को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की जरूरत होती है। धन की कमी होने पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ सरल उपायों को अपनाकर धन संबंधी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार ये उपाय करने से समस्या से छुटकारा मिलेगा और धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष से 11 पत्ते तोड़ लें। पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए। स्वस्थ जल में कुमकुम, अष्टगंध या चंदन मिलाएं। इस मिश्रण से पीपल के 11 पत्तों पर श्री राम का नाम लिखें। पत्तों पर नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात श्री राम लिखे पत्तों की माला बना लें। इस माला को मंदिर जाकर बजरंगबली को अर्पित कर दें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार ये उपाय करने से आपकी धन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कुछ आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक तंगी या धन की कमी से बेहद परेशान हैं और इसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को ये उपाय जरूर अपनाएं और अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर कर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।